नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। जी हां दर्शकों, और दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। सीबीआई रेड के बीच मनीष सिसोदिया ने शेयर किया है कुछ शिक्षा की गीत, कहा मुझे तुम्हारी साजिश तोड़ ना सकेगी। अब दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पर सीएम केजरीवाल का पहला रिएक्शन आया है। दिल्ली के अच्छे कामों का ही उन्हें नतीजा मिला है, ऐसा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया है, वो मैं बताऊं, लेकिन इससे पहले पूरी प्रक्रिया आप दर्शकों को समझा दूं कि अब तक मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई ने क्या कुछ किया, क्या मिला और आगे इसका आज दिल्ली की राजनीति में क्या फर्क पड़ने वाला है। आप दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आज जो है सीबीआई का छापा पड़ा है। जी हां, और इसको लेकर वो लगातार रिएक्शन पे रिएक्शन देते नजर भी आ रहे हैं। घर आज सीबीआई सुबह सीबीआई की रेड हुई है, ये आप दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है। अब इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया है। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई का स्वागत है, उन्होंने डरा नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केजरीवाल का खुलकर स्वागत, माफ कीजिए, सीबीआई का खुलकर स्वागत है, उन्हें अपनी काम करने देना चाहिए, हमारी ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि सीबीआई का छापा उन पर पड़ सकता है, और ये हम सबको देखने को मिल भी गया, जो अब इस वक्त हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर हो रहा है। वहीं अमित मालवीय ने बीजेपी की तरफ से साफ शब्दों में कहा है कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। उन्होंने खुलकर साफ शब्दों में कह दिया है कि दोनों गिरफ्तार होंगे। आप दर्शकों को बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे ये रोकना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रह गया, दिल्ली के अच्छे कामों का को रोकने नहीं देंगे, ये साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि आज क्या वाकई में गिरफ्तारी होती है या नहीं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, इस पे नहीं होगी।